गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं रिव्यू करना चाहूँगी कोजेविट प्लस क्रीम के बारे में। गाइज ये जो क्रीम है स्पेसिफिकली फॉर एक्ने, एक्ने स्कार्स, स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इसका क्या रिव्यू है तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल्सो शेयर कीजिए। तब तक के लिए गाइज मार्केट में दो प्रकार की क्रीम अवेलेबल है। एक है कोजेविट जेल जो नॉर्मल क्रीम है और दूसरी है कोजेविट जेल प्लस। यानी इस क्रीम में कोजेविट जेल जो नॉर्मल है उस क्रीम से थोड़े ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है। इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा में पाए जाते हैं जो कि है ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा है ग्रेप सीड ऑयल और तीसरा है एलेंटोनॉइड। गाइस इसलिए इसका कॉस्ट उस नॉर्मल क्रीम से थोड़ा ज़्यादा है। ये कॉस्ट करती है 262.50 पैसे यानी 262 रुपीस की। कोजिक एसिड एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो हेल्प करता है एक्ने स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये क्रीम मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है और इसलिए आप कोई भी क्रीम अगर आपने चेहरे पर यूज़ करते हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और गाइज इसे स्पेसिफिकली मैंने अपने एक्ने स्कार्स पे लगाया था, इसलिए ये क्रीम नॉट एज अ लाइटनिंग और ब्राइटनिंग एज अ क्रीम बताऊंगी, बट ये एज अ हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स रिडक्शन और एक्ने स्कार्स रिडक्शन के लिए ये क्रीम मैं बताऊंगी। और गाइज ये वर्क करती है एज अ डार्क स्पॉट्स रिडक्शन के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग है आपके चेहरे पर, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गई है, तो उन सब के लिए ये यूज़ होती है और ये वर्क करती है। ये इसका इफ़ेक्ट आपको 1 से 1.5 हफ्ते बाद दिखाई देगा। गाइस इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जो है ऑक्सीटोनेट जो आपको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, और ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो आपको स्किन जो भी आपके एक्ने प्रॉब्लम्स है, एक्ने मार्क्स, एक्ने डार्क जो भी आपको डार्क स्पॉट्स है उन सब चीज़ों को बचाने में यूज़ होता है। कोजिक एसिड आपकी स्किन को लाइट बनाता है, उसके मेलन फॉर्मेशन को स्टॉप करके नेचुरल वे से आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। ग्रेप सीड ऑयल एक्ने स्कार्स के लिए यूज़ होता है, एक्ने के लिए यूज़ होता है। आर्बुटिन मलबरी एक्सट्रैक्ट भी एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और विटामिन ई और एलेंटोनॉइड जो है वो मॉइस्चराइज करता है स्किन को। तो ओवरऑल ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके स्किन फ्रेंडली है, यानी आपके स्किन में जाके ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और नेचुरल वे, नेचुरल प्रोसेस से आपके एक्ने स्कार्स रिड्यूस करेगा। गाइस ये नॉर्मल ट्यूब में आती है इस तरीके से, ये 15 ग्राम की ट्यूब है और ये नॉर्मल वाइट कलर की क्रीम है। इस तरीके से और गाइस ये आपके डार्क स्पॉट्स 1 से 1.5 महीने में रिड्यूस कर देगी। और गाइस आप इसका यूज़ होने के बाद अगर आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस हो गए तो आप इसका यूज़ करना स्टॉप कर सकते हो। बट गाइस आप जब भी ये क्रीम यूज़ करें तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सन में या धूप में जाने में आप, यानी अगर आप धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन अप्लाई करना ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है कोई भी क्रीम जब हम अप्लाई करते हो तो थोड़ी सेंसिटिव या थोड़ी पतली या थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, उस वजह से हमारी स्किन जल्दी रिएक्ट करती है। तो धूप में जाने से आप थोड़े डार्क हो सकते हो या आपको ज़्यादा डलनेस आ सकती है, इसलिए इस क्रीम को यूज़ जब आप करें तो सनलाइट में जाने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए। ओवरऑल ये क्रीम वर्क करती है, आपके डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करती है और अच्छी क्रीम है, और प्लस होने के कारण तीन चीज़ें एक्स्ट्रा होने के कारण ये थोड़ी हाईली एडवांस है एज़ कम्पेयर टू कोजिक जेल जो नॉर्मल क्रीम है उससे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ रेट, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड गाइस, बाय गाइस।